कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 के एपिसोड में हाल ही में एक ऐसी महिला आ गई है जिस महिला को खुद अमिताभ बच्चन हॉट सीट तक लेकर आए। जी हाँ, आपको बता दें कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने द्वारका निवासी राकेश शर्मा बैठी हैं। एपिसोड समाप्त होते होते 5 सवालों का सही जवाब देकर उन्होंने 10,000 रुपया जीत लिया। एपिसोड के दौरान राकेश ने अमिताभ बच्चन को यहाँ पर पूछे जाने पर अपने जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ वो काम कर चुकी हैं। कलाम के साथ काम करना उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वो सदा प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी। उनकी सादगी से प्रेरित राकेश मानती हैं कि खुद की जरूरत के साथ थोड़ा समझौता कर भी यदि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो उससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। राष्ट्रपति कार्यकाल में वर्ष 2002 से 7 तक राकेश विशेष कार्य अधिकार के पद पर तैनात रही। अपने कार्यकाल को याद करते हुए वो बताती हैं कि राकेश नाम सुन के कई बार उनके सहकर्मी इस बात का मजाक बनाते थे। उनका चयन राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए इसलिए हो गया क्योंकि राष्ट्रपति ने उनके नाम को सुनकर अंदाजा लगाया होगा कि राकेश किसी पुरुष का नाम है। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया कि वो राष्ट्रपति कार्यकाल की अक्सर 2 बजे भी रात में पहुंच जाती थी और कई बारी रात 10:30 बजे घर से आने के बाद भी उन्हें बुला लिया जाता था, जिसके बाद वो कार्यकाल जाती और वहां काम निपटाकर देर रात अपने घर पहुंचती थी। उन्होंने ये भी बताया कि 5 वर्षों से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद अमिताभ बच्चन हैरान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ के अपना सर भी झुकाया। नेक्स्ट आई न्यूज रूम से नैन्सी की रिपोर्ट।